क्लाउडस ना हो, क्योंकि अगर क्लाउडस वहां पे होंगे तो वहां पे एक एवलांच भी आया है। राइट राइट राइट, एवलांच आ रहा है वहां से। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अभी अभी मैंने एक वीडियो इख्तिताम किया, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो जो आज की हमारी डेस्टिनेशन है वो है विजटॉप। अभी हमें वहाँ तक कवर करने हैं 4 किलोमीटर्स। आप बने रहे मेरे साथ, आपके साथ वहाँ तक के सारे विजुअल्स, फिर टॉप के विजुअल्स भी मैं शेयर करूँगा। वहाँ से हम यहाँ तक आए, आप चेक कीजिए कितनी ज़्यादा स्टीपनेस है और अमेजिंग से व्यूज। सो फाइनली गाइस, हमें फ्रेश स्नोफॉल भी यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे रिसेंटली स्नोफॉल हुई है, आई थिंक 5 इंचेस की बर्फबारी यहाँ पे हुई है। जो हमारे साथ गाइड है उसने कहा कि विजटॉप पे कल ही बर्फबारी हुई है और वो भी 1 फुट की बर्फबारी हुई है। आप मेरे साथ बने रहे, रास्ते में भी हमें स्नो के पैचेस देखने को मिलेंगे। जब हम विजटॉप पे पहुँचेंगे, अल्लाह से यही दुआ करो कि वहाँ पे जो मौसम है वो क्लियर रहे, क्लाउडस ना हो, क्योंकि अगर क्लाउडस वहाँ पे होंगे तो मैं आपके साथ कोई भी वहाँ के विजुअल्स शेयर नहीं कर पाऊँगा, अच्छे से विजुअल्स नहीं आएंगे। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि वहाँ पे क्लाउडस ना हो और मौसम जो है वो साफ रहे। तो बी इन द वीडियो, आई विल शेयर ऑल द ब्यूटीफुल विजुअल्स ऑफ विजटॉप विथ यू गाइस। सो गाइस, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आप चेक कीजिए मौसम भी कितना ज़्यादा क्लियर है और हमें वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ उस टॉप तक हमें जाना है। आज वही है विज टॉप, उसके लेफ्ट साइड से है, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, समझो कि उसी टॉप पे हमें पहुँचना है। अभी तो अगर मौसम की बात की जाए, मौसम यहाँ पे क्लियर हो चुका है, इंशाल्लाह आगे भी हमें मौसम क्लियर देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये वाले जगह हैं, यहाँ पे ही सनलाइट निकल के आई, रिमेनिंग ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि जो ये बर्फ़ रिसेंटली यहाँ पे पड़ी है, ये पिघलना स्टार्ट हो चुकी है, इस वजह से हमें चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। सो बी इन द वीडियो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा स्टीपनेस है और कितना टफेस्ट स्पॉट है इस वाले ट्रैकिंग रूट का। ये हमारी टीम माउंटेन वॉरियर्स हाइकिंग एंड ट्रैकिंग क्लब सोपोर की टीम। सो गाइस, यहाँ पे आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा था कि विजटॉप तक जाने के लिए 3 ट्रैकिंग रूट्स हैं। एक तो है हाजीबल बारामूला से, दूसरा है लोडो रफियाबाद से, और तीसरा रूट जो हमने लिया है यानी कि मंडी से। हमने मंडी से अपना ट्रैकिंग स्टार्ट की, वहाँ तक हम अपने गाड़ियों में आए, वहाँ से इसके लिए ट्रैकिंग रूट स्टार्ट होता है, वही ट्रैकिंग रूट लेके हम जा रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया और हाजीबल वाला ट्रैकिंग रूट वो मैंने देखा है यूट्यूब पे, तो जितनी सीनरी आपको इस वाले ट्रैकिंग रूट में देखने को मिलेगी वो किसी और ट्रैकिंग रूट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं इन्फॉर्मेशन मैंने सुना है किसी से, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्सनली मैं उन ट्रैकिंग रूट से नहीं गया हूँ, तो लेकिन ये भी बताया जाता है कि वो जो ट्रैकिंग रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफेस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। टफेस्ट पार्ट था, बहुत ज़्यादा टफेस्ट। आप यहाँ से चेक कर सकते हो हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्टिफनेस यहाँ पे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ से आप चेक कीजिए। सो अभी तक हमने यहाँ तक अगर डिस्टेंस कवर की बात की जाए तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया है। आप वहाँ से चेक कर सकते हो, वहाँ हमें जाना है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, और रिसेंटली वहाँ पर एक एवलांच भी आया है, आप चेक कर सकते हो आगे। अभी आई थिंक लगेंगे 1.5 से लेके 2 घंटे वहाँ तक पहुँचने में, और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी आप चेक कर सकते हो ठीक हो चुका है। वो हैं आगे आगे हमारे गाइड। दो रास्ते थे, हम वहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ से लगेंगे 3 घंटे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और आप यहाँ से विजुअल्स चेक कर सकते हो कहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप वहाँ से देख सकते हो वो माउंटेन वॉरियर्स की टीम आ रही है, और ये हैं हमारे साथ दूसरे गाइड। चेक कीजिए दूर से, अगर कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा तो दूर से कुछ विलेजेस हमें नज़र आ रहे हैं, आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सारे विलेजेस होंगे। राइट राइट राइट,
साइड से निकलना वहाँ पे। हाँ भैया, कितना टाइम लगेगा? और आधा घंटा लगेगा, और हमें उस पीक पे जाना है। हाँ, उस वो पीक है विजी टॉप। हाँ, वो पीक है विजी टॉप। और भैया कह रहा है कि हमें अभी 30 मिनट्स लगेंगे वहाँ तक। So go ahead. Shabash team warriors. War, Khaisal. Shabash. हमारे कुछ टीममेट्स ने फैसला किया था कि यहाँ ही तक जाएंगे, क्योंकि उनको लगा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा एवलांच प्रोन ही रहे हैं और भी एवलांच आने के खतरा थे। लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि चलते हैं आगे। अभी हमें लगेंगे यहाँ से आई थिंक 1 आवर। विल सी, आप बने रहे मेरे साथ। मुझे आप चेक कर सकते हो, एवलांच आ रहा है वहाँ से और आप देख सकते हो हम कहाँ पे हैं। इन्होंने कहा ये एवलांच है, लेकिन ये क्लाउड्स थे, एवलांच कोई नहीं था। सो गाइस, आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी हमें ओनली 30 मिनट्स लगते विच टॉप तक, लेकिन वहाँ पे एवलांच आने के खतरात बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरात हैं, इसलिए यहाँ पे जो फैसला हुआ क्लब की तरफ से किया आगे नहीं जाएंगे कि, लेकिन मशवरा चल रहा है, आगे वाले कह रहे हैं कि जाएंगे। और लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें, मैक्सिमम हमारी टीम पीछे है। देखते हैं, जो हेड था इस क्लब का, उसने कहा कि नहीं जाओ, मत जाओ आगे। लेकिन देखते हैं, अभी भी मशवरा चल रहा है, देखते हैं, उतना आगे नहीं जाना था। तब तक आप यहाँ के विजुअल्स को चेक करो, कितने ऑसम व्यूज आ रहे हैं। इस टाइम थोड़ा सा क्लियर मौसम हुआ है और आपको आई थिंक कि ये कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के मैक्सिमम विलेजेस और यहाँ से सोपोर रहमा का सारा एरिया हमें देखने को मिल रहा है। उस वाले साइड से वहाँ पे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है, वरना हमें आई थिंक यहाँ से हर माउंटेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक वो वाले साइड से हर माउंटेन्स है। One, two, three, go! सो गाइस, कहते हैं आज के इस वाले व्लॉग को यहीं पे एकदम। अगर आपको आज का व्लॉग किसी भी एंगल से पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी जगह पे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, रखेगा अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।